फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको 6 सेंटेंस दिए हैं जिसमें सेंटेंस नंबर 1 और 6 फिक्स हैं, बाकी 4 सेंटेंस पी क्यू आर एस ये आपको जंबल फॉर्म में दिया है, इनको आपको सही क्रम में लगाना है ताकि इस पूरे पैसेज का एक मतलब निकल के आए। तो इस सवाल को हल करने के लिए मैं बार बार आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आप कहीं ज़्यादा आसानी से सवाल हल कर पाएंगे, कि आप इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पे आप ऐसे दो ऑप्शन पहले देखिए जो आपको एक जैसे लगते हो, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों ही एस पर खत्म हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसको चेक कीजिए इन दोनों ऑप्शन को, और इस बात की काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड 80-90% कि आपको सही जवाब ऐसे ही दो ऑप्शन में से मिल जाएगा। हालांकि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 क्यू आर पी एस। तो ये टेक्निक आप इस तरह के बाकी क्वेश्चन में भी यूज कीजिए और आप फिर आप देखेंगे कि आपको काफी इजिली और कम समय में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको डेस्परेशन का मीनिंग दिए गए ऑप्शन में से पहचानना है। तो डेस्परेशन का मतलब होता है मायूसी या निराशा, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 होपलेसनेस। बाकी ऑप्शन की बात करें, डिप्रेशन इसका मतलब होता है अवसाद, जुबिलेशन इसका मतलब होता है आनंद, और फैसिनेशन इसका मतलब होता है सम्मोह। इनविंसिबल का मतलब आपको दिए गए ऑप्शन में से पहचानना है। तो इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, या जिसको पराजित ना किया जा सके। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, जो कि है अनअसेलेबल जिसका मतलब होता है अभेद्य, यानी जिसको भेद नहीं सकते, या एक तरीके से वो अजय है। बाकी ऑप्शन की बात करें, वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है भेद्य, फैलेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और यील्डिंग का मतलब होता है उपज या किसी चीज को मान लेने वाला। इस क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है, आपको पहचानना है उस किसी एक पार्ट में एरर है, तो वो आप ऑप्शन चुनेंगे, और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 4 नो एरर यहाँ पे चूज करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ वर्क। तो यहाँ सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, और वो एरर ये है कि यहाँ पे टू कोप विद, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, यहाँ पे कोप अप कभी भी यूज नहीं होता। टू कोप विद इसका मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, ही वोर सीट बेल्ट। तो यहाँ पे ही वोर सीट बेल्ट की जगह पे जो सही यूसेज होगा वो होगा ही वोर दी सीट बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक सीट बेल्ट का यूज हो रहा है। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में स्पेसिफिक होते हैं तो उससे पहले हम दा लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू दी फंक्शन। तो यहाँ पे सेंटेंस के थर्ड पार्ट में 2 आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे, यानी जो सही सेंटेंस होगा वो होगा आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड दी फंक्शन। तो यहाँ पे 2 का यूज यहाँ पे गलत है, तो इसलिए सेंटेंस का थर्ड पार्ट गलत है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। इस क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सेंटेंस देखते हैं, फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी दुनिया में सभी जगह पे पाया जाने वाला, तो उसका सही मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्सल। जैसे कहते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, या यूनिवर्सल गेम, यूनिवर्सल थिंग, यानी कि जो वर्ल्ड में सभी जगह पर मान्य है या पाया जाता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल। इस क्वेश्चन में आपको 4 वर्ड दिए हैं, उसमें से केवल एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग सही है, आपको वर्ड पहचानना है। हालांकि आप ऑप्शन पढ़ के ये समझ पा रहे हैं कि वर्ड केवल एक ही है, उसकी 4 अलग अलग स्पेलिंग यहाँ पे दे रखी है इस क्वेश्चन में, और सही स्पेलिंग आपको यहाँ पे चूज करनी है। तो ये साइमल्टेनियस वर्ड है, इसकी सही स्पेलिंग आप ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में सेंटेंस में एक पोर्शन बोल्ड में दिया है और आपको उसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से पहचानना है। सेंटेंस है, व्हेन दे वर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स द डकैत लेट डाउन देयर आर्म्स। तो लेट डाउन देयर आर्म्स एक ईडियम है, इसका मतलब आपको पहचानना है। तो इसका सही मतलब है ऑप्शन नंबर 3 सरेंडर्ड, यानी लेट डाउन देयर आर्म्स, इसको कहते हैं सरेंडर कर देना। यहां पर आपको एक पूरा सेंटेंस बोल्ड में दिया है, या सेंटेंस का कुछ भाग बोल्ड में दिया हो सकता है, आपको पहचानना है कि उसमें अगर किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो आप ऑप्शन चुनेंगे, और इन केस अगर किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे चुनेंगे। तो यहाँ सेंटेंस देखते हैं, ओल्ड हैबिट डाई हार्डली। तो यहाँ पे इसका गलत यूसेज है, इसका जो सही जो सेंटेंस बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 2, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।
ये हालांकि एक ईडियम की तरह या एक सेंटेंस जो स्टेटमेंट कई होते हैं उनकी तरह की जो पुरानी आदतें बहुत ही मुश्किल से जाती हैं, इसलिए इसका मतलब यही है, इट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट वन हैज बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका जो सही यूसेज है वो होगा ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड एंड नॉट हार्डली। तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। द बर्गलर ब्रोक इन द शॉप लास्ट नाइट। तो यहाँ पे ब्रोक इन का आपको देखना है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो ब्रोक इन यहाँ पे इनकरेक्टली यूज हुआ है। जो करेक्ट यूसेज होता है वो होता है ब्रोक इन टू, जिसका मतलब होता है तोड़ना। ऑप्शन नंबर तीन इस सवाल का सही जवाब है। नीता वॉज टू क्लेवर टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स। तो इस सेंटेंस में कोई जो टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स, ये बिल्कुल सही यूसेज है। तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। टीचर्स आर एग्जेम्पलरी टू द वर्च्यूज ऑफ मिडिल क्लास। तो यहाँ पे आर एग्जेम्पलरी की जगह पे जो सही यूसेज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन एग्जेम्पलीफाई, जिसका मतलब होता है टू बी अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है जिसमें चार जगह फिल इन द ब्लैंक में आपको करेक्ट वर्ड पुट इन करना है। तो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए ऑलरेडी ये पैसेज को सॉल्व करके यहाँ पे दिखा रखा है। तो आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक नंबर वन में सही जवाब ऑप्शन नंबर फोर कॉमन, नंबर टू में सही जवाब ऑप्शन नंबर टू ग्लास, नंबर थ्री में सही जवाब ऑप्शन नंबर फोर बोर, और फिल इन द ब्लैंक नंबर फोर में सही जवाब ऑप्शन नंबर वन ट्यूब। इस तरह के क्वेश्चन की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी और आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो भी आपको जो पैसेज के दूसरे क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको फायदा देगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ के आपको आने वाले चार सवाल हल करने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्चुअल एग्जाम में भी पहले आप पैसेज पढ़िए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पे जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाने से आपका ज्यादा टाइम लगता है, वजह कि आप पहले पैसेज पढ़ें और उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इन एंशियंट टाइम्स मैन हैड एन एप्रीहेंशन ऑफ। तो वेल, तो एप्रीहेंशन का मैं मतलब आपको बता दूं कि इट इज अ एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन, यानी किसी चीज को होने से पहले ही उसके बारे में सोच के डरना। तो आप इस पैसेज को पढ़ के देखेंगे कि जो पुरातन काल था वहां पे इंसानों को एपिडेमिक्स यानी महामारी, सेवेयर ड्रॉथ यानी कि सूखा पड़ना, और फ्लड्स और बाढ़, इन तीनों के बारे में ही पहले से डर रहता था। तो इस सवाल का सही जवाब नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज। मॉडर्न मेडिसिन हैज हेल्प्ड मैन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन, जो कि कहता है टू लिव इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज विदाउट फियर ऑफ एपिडेमिक्स। तो ये आप पैसेज में जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पे आप देखिए इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ ब्लेसिंग एज इट। उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन, यानी इट हैज मेड ऑल द कमोडिटीज अवेलेबल टू एवरीवन। उसका सही जवाब आप पैसेज में जो हाईलाइटेड पोर्शन है वहां पढ़ के आप इसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग कन्विक्शन ऑफ द पैसेज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन, मैन हैज बीन एबल टू कंट्रोल नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जैसे हम पैसेज की जो लास्ट लाइन है वहां पे ये कहता है, एट मोस्ट टाइम्स नेचर इज नो लॉन्गर फॉर्मिडेबल शी हैज बीन सबड्यूड, यानी नेचर को ज्यादातर केसेस में कंट्रोल कर लिया गया है। सबड्यू का मतलब होता है ओवरकम करना। इस क्वेश्चन में फिलिंदा ब्लैंक में आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इट इज डैश इफ यू कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है अनडिसाइडेड और सस्पिशियस। तो सेंटेंस बनेगा, इट इज डाउटफुल इफ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ। बाकी ऑप्शन की बात करें, अनलाइकली इसका मतलब होता है नॉट लाइकली या विच इज नॉट लाइकली टू हैपन। इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है नॉट सेंसिबल और रियलिस्टिक, और अनश्योर का मतलब होता है अनसर्टेन ऑफ द फैक्ट्स। शी वॉज रिलीव्ड टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मैलिग्नेंट, इट वॉज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू बेनाइन। मैलिग्नेंट का मतलब होता है फैटल यानी जानलेवा, और बेनाइन का मतलब है कि मतलब उसमें कम कि वो जानलेवा नहीं है, या जो पहले से कंडीशन उसको इम्प्रूव उसमें हो गया है। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू फ्रॉम। रिकवर का मतलब होता है टू रिगेन आफ्टर इलनेस। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है प्रोबेबल ऑकरेंस। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।